प्यारे विद्यार्थीगण, क्लास एट। और क्लास एट में सब्जेक्ट है मैथ, लेसन 1.2, चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े थे और अभी कुछ क्वेश्चन को फिर अभी यहां पे देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है। आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करें और आप इस तरह से पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है तो यहां भी आप लोगों को एक बार देख लेना है और अब बिल्कुल आप आसानी से इसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी चीजें मालूम है, जान रहे हैं आपके पास बैकवर्ड लिंकेज काफी स्ट्रांग है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि पिछली कक्षाओं में आप स्क्वायर रूट्स निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर 100 है तो 100 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग। दोनों मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी। क्वेश्चन में बुक में कहा है दोनों मेथड से बनाइए, दोनों मेथड का प्रयोग करें आप, लेकिन अभी आप यहां फैक्टराइजेशन मेथड को देख सकते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, आपको मालूम है पहले से भी आप सीख चुके हैं, 50 टाइम्स जाएगा फिर 2 से देंगे, 25 देंगे 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, इसलिए सीधा यहां पे आप आ जाएंगे 5। इस 5 में भी देना है दे सकते हैं। इस तरह से आपके पास रिजल्ट आया 100 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5। ये पेयर है, ये पेयर है, दोनों पेयर से निकाल दीजिए 1। ये पेयर लगाना है, इसमें पेयर ग्रुपिंग करना है पेयर, और उस ग्रुप से 1 डिजिट को आउट करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है और आंसर के लिए उसे फॉरवर्ड कर देना है। जितने भी पेयर बनेंगे सभी पेयर से 1-1 डिजिट को हम आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट उस नंबर के लिए स्क्वायर रूट माना जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में हम देखते हैं, बी नंबर क्या बता रहा है, चलिए यहां पे देख लीजिए, उसके बाद क्लीन करेंगे इसे। 1 × 2 = 5, 1 × 2 = 5, क्या 2 से डिविजिबल है ये? नो, 2 से डिविजिबल ये नहीं है। तब क्या 3 से के लिए चेक कर लीजिए, 5 × 2 = 7, 2 × 9 नहीं है, तब किससे होगा, 5 से होगा ये डायरेक्ट, 5 से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स 2 बचा 22, 4 × 2 बचा 5 5 टाइम्स। अब फिर क्या होगा, अब तो बैक तो हमको जाना ही नहीं है, बैक तो होगा ही नहीं, फिर अगेन 5 से, आया। अब क्या करेंगे, 5 से जाएगा नहीं तो किससे चेक करेंगे, डायरेक्ट हम 7 से चेक करेंगे और 7 से जाएगा 7 × 7 = 49 होता है। इस तरह से ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहां पे वैल्यू आउट कर दीजिए, 1 × 2 = 5 × 5 × 7 × 7 यहां भी पेयर कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए दोनों से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 इज राइट आंसर। इस तरह से आंसर हो गया, देख सकते हैं उसे, क्लियर करेंगे इसे हम। सी क्या बता रहा है, 625 डायरेक्ट इस पे काम करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करना है, 3 के लिए क्या 6, 2, 8 और 5 ये भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए 5 × 7 = 7 × 6 = 13 6 × 8 = 8 5 = 13 13 तो जाता ही नहीं 3 से, पर डायरेक्ट ये 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, यूनिट में 5 से कितना बार जाएगा, ये यहां 1 हो गया, 1 बचा 2 × 2 = 25 ये होगा, अगेन 5
अगेन 5 और इस तरह से 625 के लिए वैल्यू आए 5 × 5 × 5 × 5 ग्रुप कर दीजिए, दोनों ग्रुप से सिलेक्ट कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिए। इस तरह से 25 इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन वन टू नाइन सिक्स, टू से जाएगा ये, कितना बार जाएगा? 6 × 8 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 8 × 1 = 9 हुआ 3 से। अगेन 3 अगेन 3 और लास्ट में 3। इस तरह से इसका एक फैक्टर होगा। अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 ए पेयर ए पेयर ए पेयर ए पेयर दोनों सभी से एक एक सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से आया 2 × 4 × 4 × 3 = 12 × 3 = 36 इस प्रकार से डी नंबर का आंसर हमें प्राप्त हुआ 36। ई देखिए ई कितना है 144। चलिए इसका सॉल्यूशन करिए, 2 से जाएगा अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा ऐसे आएगा। तो 144 = 2 × 2 × 2 × 2 फोर टाइम्स एंड 2 × 3 पेयर सिलेक्शन करेंगे 1 1 सभी पेयर से 12 इज आंसर। इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया, ई हो गया। अब एफ में हम लोग चलेंगे, एफ में देखिए फ्रैक्शन में कर देंगे। एफ के लिए देखिए 9/16 सबसे पहले 9 का करेंगे हम लोग 3 times थ्री, फिर 16 का करेंगे 2 8 2 4 2 2 1 16 का क्या आया 4 times 2 पेयर कर देंगे, दोनों से सिलेक्शन करेंगे 4। अब यहां पे आइए लिखेंगे 9/16 या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं 9 का कितना आया 3 इसका कितना आया 4 सीधा या फिर इसको लिख करके इसको यहां पे दिखा सकते हैं फ्रैक्शन में आंसर कर दिए। इसको चाहेंगे आप तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 4096 जी है 2 से जाएगा कितना आया है फिर अगेन टू अगेन टू
अगेन टू फिर टू ए पहुंचा है। चलिए यहां भी कर देते हैं टू से, तो ये फोर आएगा नीचे ही लिख लीजिए, फिर टू से टू आएगा, फिर टू से वन आएगा, इतना बार 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स। यहाँ पे लिखेंगे 4 0 9 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 सबसे आउट होगी 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना होगा 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 × 2 64 इज आंसर, ये आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग एच, थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन था इसमें, एच क्या है 529 किससे जाएगा, टू से तो जाएगा नहीं, थ्री से चेक करते हैं 5 2 7 9 2 11 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं चेक करके, 529 तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करके देख लेते हैं, 7 7 49 3 7 से भी नहीं जाएगा, 9 10 11 11 4 11 से भी नहीं जाएगा, 13 13 से भी नहीं जाएगा, 17 17 से भी नहीं जाएगा, 19 19 से भी नहीं जाएगा, 23 23 से डायरेक्ट 23 टाइम जाएगा, डायरेक्ट जाएगा 23 से 20, इधर कहीं डिवीजन होने वाला ये नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 529 23 23 पेयर लगेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ये 23, क्योंकि इसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट जाएगा 23 से 23 टाइम्स। तो ये था थोड़ा सा इसमें समस्या, इसको देखना है चेक करके आसानी से, इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप देख करके आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि चेक करेंगे तभी आपको इसका नतीजा पूरा पता चलेगा कि क्या है। उसके बाद है हमारे पास आई 144 / 169 एक करके निकालते हैं, 1 1 करके 2 से दे देंगे, 2 से दे देंगे, 2 से दे देंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 से जाएगा, ये होगा 144 = क्या आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 क्लियर करेंगे, एक एक तो सिलेक्शन कर देंगे 12। अब मेरे पास है 169, तो 169 कहीं पे कर देते हैं, 169 किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से जाएगा 13 टाइम्स, इसलिए 169 = 13 × 13 पेयर कर दीजिए 13, आंसर क्या हो जाएगा, उधर आया 12 इधर आया 13, ये हो गया आंसर, इस तरह से आप आंसर प्राप्त करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है 38
4 बाय 196 दोनों का करेंगे अलग अलग, इसको क्लियर करते हैं यानी पे करेंगे 3844 सबसे पहले किसे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, कितना बार जाएगा 2 से, ये अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 नहीं 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 7 से 30 7 से भी नहीं जाएगा क्या, फिर से देख लीजिए इतना आया, फिर 2 से गया तो ए आएगा 961। अब 961 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, और 7 के बाद 11 से भी नहीं, 13 डायरेक्ट 31 से जाएगा, और कितना टाइम जाएगा 31 टाइम जाएगा, और कोई इधर विकल्प नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू बनेगा 2 × 2 × 31 × 31। ये पेयर लगा देंगे 2 × 31 = 62। अब 196 बचा, 196 का तो अभी हम लोग पहले निकाल चुके थे, फिर भी यहां निकालना पड़ेगा, फिर 2 से देंगे, फिर 7 से देंगे, फिर 7 से देंगे, ये आया 196 इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 7 पेयर लगा दिए 2 × 7 14। अब आंसर में क्या ले लेंगे, उधर आया 62 और इधर आया 14, ये हो गया आपका आंसर। वो काटना चाहेंगे तो काट के छोटा कर सकते हैं, 31/7 लिख सकते हैं, चाहते हैं अगर तो 31/7 वो दिया राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इसके आगे फिर हम बढ़ाएंगे और आगे बताएंगे आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं जिसको जानना है, आप प्रैक्टिस करते रहें घर पे, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस आपका जारी रहना चाहिए, ठीक है, धन्यवाद।